शमिता शेट्टी की जर्नी, आरोपों से ट्रॉफी की दावेदारी तक का सफर। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 में शमिता शेट्टी का सफर काफी आसान लग रहा था। शो के शुरुआत में ही उन्हें टॉप 3 की रैंकिंग में जगह मिल गई थी और वो न सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बल्कि ट्रॉफी की प्रबल दावेदार भी मानी जा रही थी। ओटीटी से बिग बॉस सीजन 15 में एंट्री मिलने के कारण उन्हें पहले से ही निशांत और प्रतीक के साथ खास प्रिविलेज मिली थी और वो बतौर वीआईपी सदस्य घर में प्रवेश की थी, जहां इन्हें जंगल वासियों की नींद हराम करनी थी। शमिता ने प्रतीक और निशांत के साथ मिलकर जंगल वासियों का जीना हराम भी किया था। शमिता शेट्टी ने विशाल कोटियन पर भरोसा जताया, लेकिन विशाल कोटियन पर यह आरोप लगा कि वो शमिता शेट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद शमिता शेट्टी का गेम कुछ लड़खड़ाया जरूर, लेकिन उसी के बाद शो में राजीव की एंट्री हुई, जो शमिता के मुंह बोले भाई माने जाते हैं, जिन्होंने आकर शमिता शेट्टी को बताया कि विशाल कोटियन उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शमिता ने विशाल पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। और बतौर वाइल्ड कार्ड राकेश बापट की जब एंट्री हुई, जो नेहा भसीन के साथ आए थे, उसके बाद शमिता शेट्टी का गेम काफी स्ट्रांग दिखाई देने लगा, लेकिन साथ ही शमिता शेट्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। शमिता शेट्टी के ऊपर ये आरोप लगने लगा कि मेकर्स शमिता शेट्टी का फेवर कर रहे हैं और शमिता शेट्टी के लिए उनके करीबियों को बिग बॉस के घर में भेजा जा रहा है ताकि शमिता का गेम स्ट्रांग हो सके। हालांकि शमिता शेट्टी के लिए जिन लोगों को कथित तौर पर सपोर्ट के लिए लाया गया था, वो एक एक करके शो से बाहर होते रहे। शुरुआत राकेश बापट से हुई, मेडिकल रीजन की वजह से राकेश बापट घर से बाहर गए, उसके बाद नेहा भसीन घर से बेघर हुई और फिर राजीव अदातिया जनता के कम वोटों के आधार पर शो से एविक्ट हुए। शमिता शेट्टी को सपोर्ट करने का आरोप जिन पर लग रहा था, उनमें से कोई भी सदस्य इस समय घर में मौजूद नहीं है। शमिता इस समय इंडिविजुअल गेम दिखा रही हैं। जैसे जैसे गेम शो फिनाले के करीब पहुंच रहा है, शमिता शेट्टी का गेम काफी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दिया है। तेजस्वी और शमिता की फाइट बिग बॉस सीजन 15 का अहम हिस्सा रही है। तेजस्वी प्रकाश ने कई बार शमिता शेट्टी पर इनसिक्योरिटी फील करने का आरोप लगाया, जबकि शमिता भी तेजस्वी पर पलटवार कर चुकी हैं और शमिता ने भी तेजस्वी पर इनसिक्योरिटी फील करने का आरोप लगाया है। दोनों हर मुद्दे पर अलग अलग राय रखती हैं। इतना ही नहीं, दोनों के बीच जमकर कई बार झगड़ा भी देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह से शमिता शेट्टी को शो के शुरुआत से ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जा रहा था, शमिता ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है, ये कहना गलत नहीं होगा। वहीं शो के शुरुआत से ही शमिता शेट्टी को भी फैंस और जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। शमिता भी सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बनी रहती हैं और उन्हें उनके चाहने वाले ट्रॉफी का हकदार भी मानते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि करण तेजस्वी और प्रतीक के साथ शमिता भी ट्रॉफी की प्रबल दावेदारों में से एक हैं। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं।